दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु ने त्याग और प्रेम इन दोनों में से बड़ा कौन है और हमारे जीवन में त्याग और प्रेम का क्या प्रभाव डालती है। बस बने रहिए वीडियो पर, बहुत ही लाजवाब जानकारी देंगे आपको। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने एक निसंतान दंपति मिला जिसने नारद मुनि को देखकर उनसे आग्रह करने लगे, प्रभु आप तो हमेशा भगवान के पास आते जाते रहते हैं और हम निसंतान हैं, अब आप ही एकमात्र सहारा हैं, प्रभु कृपया आप भगवान से हमें संतान होने का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। तत्पश्चात नारद मुनि जी ने उन्हें आश्वासन दिया और फिर नारद मुनि वहां से भगवान विष्णु के पास चले गए और उन्होंने भगवान विष्णु को सारी बात विस्तार से बताई। फिर भगवान विष्णु ने कहा, उस दंपत्ति का पिछले जन्म का बहुत ही बुरे कुकर्म है जो कि अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं हो सकती। फिर भगवान की बात सुनकर नारद मुनि वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस दंपत्ति के घर एक त्यागी महात्मा आए और दंपत्ति ने उनका अच्छे से आवभगत किया, उनकी सेवा की। उसके बाद जब महात्मा विदा ले रहे थे तब उस दंपत्ति ने आशीर्वाद के रूप में एक संतान की मांग रख दी और सेवा भाव से महात्मा खुश होकर बोले, ठीक है, आज से ठीक 11 महीने बाद तुम्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। और महात्मा जी वहां से चले गए। ठीक 11 महीने बाद उस दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई और दंपत्ति उसके पालन पोषण में व्यस्त हो गया। कुछ समय पश्चात नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और उनकी नजर उस दंपत्ति पर पड़ी और नारद मुनि दंपत्ति के पास जाकर बोले, तुम लोगों को तो 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा भगवान ने कहा है। तब दंपत्ति ने नारद मुनि के चरणों में अपनी संतान को रख दिया और उन्होंने महात्मा जी की सारी बात नारद मुनि जी को बताई और कहा, उन्हीं के आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति हुई है। उसके बाद नारद मुनि जी बेहद गुस्से में सीधे भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा, जब आपको ऐसा ही करना था भगवान तो मुझे झूठा क्यों बनाया। तब नारद जी से भगवान ने कहा, कुछ दिनों में मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तत्पश्चात नारद जी भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा बेसब्री से करने लगे। कुछ समय बीता ही था कि भगवान ने नारद जी को बुलाया और कहा, नारद, लक्ष्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हृदय का प्रत्यारोपण यानी कि बदलना होगा, क्या तुम मेरे लिए किसी भक्त का हृदय ला सकते हो। तब नारद मुनि वहां से चले गए। काफी ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जो उन्हें अपना हृदय दे सके। थक हार कर वापस आते वक्त नारद जी अचानक उसी महात्मा जी के पास पहुंचे जिन्होंने दंपति को संतान का आशीर्वाद दिया था। फिर नारद जी ने महात्मा से भगवान की कही हुई दुख की सारी बात महात्मा को बताई। महात्मा ने भगवान का नाम सुनते ही बिना कुछ सोचे बिचारे नारद जी को अपना हृदय निकाल कर दे दिया और नारद जी खुशी खुशी हृदय लेकर भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान ने नारद जी से कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, जो भक्त मेरे लिए अपना हृदय निकाल कर दे सकता है उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूँ, तुम्हारी अपेक्षा उसे श्रेय देने का यही कारण है, तो शायद अब तुम बेहतर समझ गए होगे। नारद, मैं मानता हूँ तुम संसार में सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते होगे, लेकिन जब कलेजे की जरूरत पड़ी तो तुम भी अपना कलेजा निकाल कर दे सकते थे, तुम भी तो अपने आप को मेरा सबसे बड़ा भक्त मानते हो, लेकिन जब देने की बात आई तो तुम दूसरों से मांगते फिर रहे थे, लेकिन उस महात्मा ने मेरा नाम सुनते ही तुम्हें
अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। नारद त्याग के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ। उसके बाद नारद जी का सिर लज्जा से झुक गया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि प्रेम से बड़ा कुछ और है तो वो है त्याग। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना न भूलें। आप सबका धन्यवाद।